चीन ने 3 भारतीय खिलाड़ियों की एंट्री रोकी। एशियन गेम्स में वुशु खेलने जाना था, भारतीय खेल मंत्री ने चीन दौरा रद्द किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 3 वुशु खिलाड़ियों के 19वें एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए देश में एंट्री पर रोक लगा दी है। भारत ने चीन के इस कदम का विरोध किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, भारतीय नागरिकों के प्रति चीन के भेदभावपूर्ण व्यवहार को हम खारिज करते हैं। चीन की कार्रवाई एशियन गेम्स की भावना, इवेंट के नियमों का उल्लंघन है। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियन गेम्स में शामिल होने के लिए अपना चीन दौरा रद्द कर दिया है। उधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मैं चीन के इस फैसले की निंदा करता हूं। अरुणाचल प्रदेश विवादित क्षेत्र नहीं है बल्कि भारत का अभिन्न अंग है। चीन के इस कदम से राज्य की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। चीन के इस कदम पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को रोक लगानी चाहिए। पूरा मामला क्या है? अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को चीन के होंगझोऊ शहर में 19वें एशियन गेम्स में 24 सितंबर को होने वाले वुशु गेम में हिस्सा लेना था। तीनों खिलाड़ियों के नाम नेमान वांगसू, ओनिलू तेगा और मेपुंग लामगू है। एशियन गेम्स 2023 की इवेंट कमेटी ने खेल में भाग लेने के लिए मंजूरी दी थी, तो एथलीट अपने एक्रेडिटेशन कार्ड डाउनलोड कर पाए जो चीन में एंट्री के लिए वीजा के रूप में काम करता है। तीसरे एथलीट को एक्रेडिटेशन कार्ड मिल गया था। बाद में चीन की ओर से बताया गया कि उसे हांगकांग से आगे यात्रा करने की अनुमति नहीं है। एशियन गेम्स में वुशु इवेंट 24 सितंबर से शुरू हो रहा है। तीनों खिलाड़ियों को 24 सितंबर तक होंगझोऊ में रहना था, लेकिन वीजा में देरी होने की वजह से उन्हें एशियन गेम्स से बाहर होना पड़ा। वुशु टीम के बाकी प्लेयर चीन के लिए रवाना हो गए हैं। OCA उपाध्यक्ष बोले, खिलाड़ियों ने वीजा लेने से मना किया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA के अंतरिम अध्यक्ष रणधीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने वर्किंग कमेटी के साथ बैठक की थी, इस मुद्दे को सरकार के सामने भी उठा रहे हैं। वहीं OCA के उपाध्यक्ष वेई जिजहोंग ने दावा किया कि चीन पहले ही भारतीय खिलाड़ियों के लिए वीजा जारी कर चुका है, जिसे खिलाड़ियों ने लेने से मना कर दिया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।